नमस्कार दोस्तों, कल के सत्र में MCX का शेयर ताबड़तोड़ रैली रहा। क्यों रहा, क्या रीजन है, MCX क्या है, क्या करती है, आइए सब जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो MCX है क्या? MCX एक प्लेटफॉर्म है जहां सारे कमोडिटी का ट्रेडिंग होता है, चाहे आपको सिल्वर का ट्रेडिंग करना हो, गोल्ड का करना हो, क्रूड ऑयल का करना हो, चाहे आप जो भी हो, चना हो, आप हल्दी हो, जितना भी कमोडिटी है सबका ट्रेडिंग आप MCX पे कर सकते हैं। अब MCX पे ये न्यूज आ रही है कि वो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को नए तरीके से पेश करेगी, यानी अपने जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसका अपग्रेड वर्सन लाएगी, और ये लाएगी TCS के साथ मिलके। पहले इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था TCS टाटा ग्रुप का ही एक कंपनी है 63 मून्स उसके साथ था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रही है उसके साथ, और TCS भी टाटा ग्रुप का ही है और इसके साथ एक नया प्लेटफॉर्म ला रही है, और वो भी ज़्यादा दिन में नहीं, अगले हफ्ते ही। तो ये सारे न्यूज़ के कारण TCS में आपका जाके MCX में जोरदार तेज़ी रही। अब क्या एक्सपर्ट्स की राय है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो MCX के शेयरों में ताबड़तोड़ तेज़ी रही, नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाने की खबर है। इसमें MCX के शेयर सोमवार को 9% से ज़्यादा तेज़ी के साथ 1950 पर पहुंच गए। MCX के शेयर में यह तेज़ी जल्द नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के रिपोर्ट के बाद आई है। तो मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको MCX बोलते हैं, के शेयर लगातार 3 दिन से अप ट्रेंड में है। MCX के शेयर सोमवार को 9% से ज़्यादा तेज़ी के साथ 1950 पर पहुंच गए। MCX के शेयरों ने सोमवार को 52 हफ्ते का नया हाई भी बनाया। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 1785 रुपए पर बंद हुए थे, यानी 1785 पर बंद हुए थे। MCX के शेयरों में यह तेजी जल्द नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने से जुड़ी रिपोर्ट के बीच आई। कंपनी के शेयरों का भाव 52 हफ्ते के लो जो था, इसका 52 वीक्स हाई जिसको बोलते हैं, एक साल का लो जिसको बोलते हैं, ये था 1156, यानी 1156 रुपये का था, और वहाँ से अब 1950 पर पहुँच गया है। तो एक अक्टूबर से जो है नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आने की खबर है। तो खबर है कि MCX मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, 1 अक्टूबर 2023 से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ लाइव हो जाएगा। यह बात जो है एक रिपोर्ट में कही गई है। हालांकि मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को शिफ्ट होने की तारीख को लेकर कोई ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं दिया है। देश के सबसे बड़े कॉमोडिटी एक्सचेंज MCX ने इस साल जून में मौजूदा सॉफ्टवेयर वेंडर 63 मून्स टेक्नोलॉजी के साथ दिसंबर 2023 तक सपोर्ट सर्विसेज का एक्सटेंशन अनाउंस किया हुआ था। तो एक साल में MCX के शेयरों में 55% से ज़्यादा की तेज़ी हो गई है। आप समझिए, मतलब अगर आप एक साल पहले इसमें 1 लाख लगाए होंगे तो आपका पैसा अभी 1,55,000 हो जाता। तो MCX के शेयरों में पिछले एक साल में 55% से ज़्यादा की तेज़ी आ गई है। कंपनी के शेयर 26 सितंबर 2022 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE जिसको बोलते हैं, 1236 रुपये था। आपका जाके 26 सितंबर 2022 को 1236 रुपये था। MCX के शेयर 25 दिसंबर 2023 को BSE के में अभी 1950 रुपये में पहुंच गया है। इस साल अब तक MCX के शेयरों में 33% यानी 33% से अधिक का उछाल आ गया है। साल के शुरुआत में कंपनी के शेयर 1458 रुपये यानी 1458 रुपये पर थे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की तेज़ी MCX के शेयरों में देखने को मिल रही है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि MCX के शेयर आप रखे हैं या नहीं रखे हैं, या इस तेज़ी में आप उसे चेस कर रहे हैं या चेस नहीं कर रहे हैं, और MCX का शेयर कहां तक जाएगा।
ये सारे बिंदुओं पर आप डिस्कस करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।